और सम्स हम पढ़ रहे हैं, आप जरा सम्स को ध्यान से देखिए। रिलायंस लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स को अंडरलाइन करो, 10 ईच को भी अंडरलाइन करो, यानी आप कितना शेयर बेचना चाहते हैं? 20,000 शेयर का वैल्यू 10, क्या 10 एक साथ मांगेंगे? नहीं। कैसे मांगा जा रहा है? तो पेबल बोल रहा है 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मतलब क्या हुआ? इसके बाद कोई फाइनल कॉल भी होगा क्या? नहीं। इसी को फर्स्ट एंड फाइनल आप लिख सकते हैं, इसी को हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल लिख सकते हैं, या इसको हम फर्स्ट कॉल भी लिख के छोड़ सकते हैं या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो कितना एंट्री होना है? 3 बार पैसा मांगा जा रहा है तो 6 एंट्री। ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड पास जनरल एंट्री, लेकिन सबसे लास्ट में एक एंट्री और भी करना पड़ेगा 6 के बाद। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अमाउंटिंग टू ₹3,000 अभी किए थे ना, तो सुनो ये 2 एंट्री एज इट इज ध्यान दो, ये 2 एंट्री पहले आप लिखेंगे, इसके बाद ये जो दूसरा है वो पहला बनेगा, जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट, और ये जो पहला है यहां दूसरा बनेगा। इसके बाद और ऊपर देखने का दरकार नहीं है, जहां अलॉटमेंट है वहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए बोर्ड की तरफ फाइनल कॉल किए, बट यहां एक एंट्री और लिखना पड़ेगा ना, कौन सा? ये अभी हम लोग मिटा दिए थे इसके पहले, बैंक अकाउंट डी आर टू फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट बिठाना है, बट आप लोग अगर बता देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? बताओ कितना लिखेंगे? 20,000 इंटू 3 तो 60,000। 3 क्यों लिखें? क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन में 3 रुपया बोला है। फिर क्यों 5 लिख रहे हो? क्योंकि वहां अलॉटमेंट में 5 बोला है। और फिर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40,000। क्या ये कंप्लीट हो गया? एक एंट्री और है, क्या हम मिटा के करें कि आप खुद कर लेंगे? खुद कर लेंगे। क्या एंट्री होगा खुद का? बोलिए, लिखा हुआ है वहां पर एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डी आर टू बैंक। जल्दी से आप ये 6 एंट्री कॉपी करो।